के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। छुट्टा पशुओं को लेकर प्रशासन सख्त, मंडलायुक्त ने कहा कराया जा रहा है पशुओं का जियो टैगिंग, उसके बाद मिले सड़कों पर छुट्टा पशु तो होगी कड़ी कार्रवाई। निराश्रित पशुओं को पालने वालों को सरकार देगी आर्थिक मदद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के कमिश्नर एवं सचिव रजनीश गुप्ता ने किया राजस्व वसूली की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मुहर्रम पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नर आईजी एसएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस के जवानों ने किया पैदल गश्त, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास, कहा खुशी खुशी मनाए त्यौहार क्योंकि गोरखपुर पुलिस है आपके साथ। कस्टम विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, तस्करी कर लाए जा रहे 30 लाख के चरस को किया बरामद। राहगीर ने एटीएम से निकले 10,000 की रकम एसएसपी को देकर उसके असल मालिक तक पहुंचाने की अपील, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा बस कंडक्टर अजीत यादव ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। फर्जी शख्स लाइसेंस मामले में जांच अंतिम चरण में, एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा राजस्व विभाग से सूची मिलने पर होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सरयू नहर प्रणाली फेज 3 बांसगांव और रजवाहा के लिए जिला परियोजना की बैठक, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने पर हुई चर्चा। पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड्स राज्य मुख्यालय द्वारा राज्य काउंसिल की बैठक हुई संपन्न, राज्य संगठन के सर्वसम्मति से अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश चुने गए अध्यक्ष। त्योहारों के मद्देनजर एसएसपी ने किया खोराबाद तथा पिपराई थाने का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मिर्जापुर में पत्रकार के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में ग्रामीण अंचल के पत्रकारों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मुकदमा वापस लेने की मांग। भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित, सौंपा ज्ञापन। कमिश्नरी परिसर में लगाए गए वाटर एटीएम का कमिश्नर ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उग्रसेन सिंह श्रीनेत्र राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ समापन, फाइनल मैच जीतकर मैना देवी इंटर कॉलेज ने ट्रॉफी किया अपने नाम। महानगर में गणपति उत्सव की धूम, गणेश पूजा देखने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, भगवान गणेश को लगाए गए 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग। और गोरखपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में आयोजित किया गया जिला फुटबॉल लीग, 5 सितंबर से 21 सितंबर चलेगा लीग, 22 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल।